सलमान खान 20 अगस्त को जब रूस के लिए रवाना हुए, तब खबर आई कि एक सीआईएसएफ के जवान ने उन्हें गेट पर रोक लिया। वो वीडियो भी काफी वायरल हुआ। लोगों ने उस जवान की तारीफ की कि देखिए स्टार के और नहीं मैं वो नहीं आया और उसने जो है अपनी ड्यूटी निभाई। अक्सर क्या होता है जब स्टार ना अपने पूरे काफिले के साथ निकलते हैं, उनके साथ जो है कम से कम 7-8 लोग तो होते ही हैं, तब जो स्टाफ है वो एक्टर की पेपर चेक करा लेता है और स्टार सीधा एयरपोर्ट में एंट्री मार लेता है। लेकिन सलमान जब उस दिन गए तब ऐसा नहीं हुआ। उस जवान ने, जिसका नाम सोमनाथ मोहंती बताया जा रहा है, उनको रोक लिया कि आप जो है जब तक आपके पेपर चेक नहीं होंगे हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। जिसके बाद कल खबर आई कि सीआईएसएफ के उस जवान का मोबाइल फोन जो है वो सीज हो गया, क्योंकि उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर मीडिया से बात की थी। ये बात जो है काफी चौंकाने वाली थी कि जिस जवान की सारी जगह वाहवाही हो रही है, आखिर उसका फोन क्यों जब्त किया गया। लेकिन अब खुद सीआईएसएफ ने अपने ऑफिशियल हैंडल से इस बात की जानकारी दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उसको तो पुरस्कार मिला है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि इस ट्वीट में दी गई जानकारी गलत और निराधार है। उस ट्वीट को टैग किया जिसमें ये बताया गया था कि जो उनको जो है वो सजा मिली है। तो उस ट्वीट को रिप्लाई करते हुए जो है उन्होंने लिखा कि इस ट्वीट का जो बात है, जानकारी है, वो निराधार है। सही बात तो ये है कि संबंधित अधिकारी को अपने कर्तव्य को बेहतरीन तरीके से निभाने के लिए पुरस्कृत किया गया है। तो जी हाँ, ये बात सामने आई है कि बिल्कुल ये बात गलत है कि उसको उसका फोन सीज किया गया, उसको सजा मिली, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाई, इस बात के लिए उन्हें पुरस्कार मिला है। वहीं सोशल मीडिया पर भी लगातार लोग जो है उस जवान की तारीफ करते हुए नजर आए कि उन्होंने एक स्टार को, सलमान खान जैसे जिनकी पॉपुलैरिटी इंडिया नहीं विदेशों में भी है, उनको रोक दिया और कहा कि भाई जब तक आपके पेपर चेक नहीं होंगे हम तो आपको जाने ही नहीं देंगे। तो इस बात के लिए उस जवान को पुरस्कार मिला है और लोगों की वाहवाही भी मिली है।